अब सीधा रुख करते हैं अमृत महोत्सव कार्यक्रम का। कैलाश विजयवर्गीय कार्यक्रम मौजूद है और सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस वक्त संबोधन जारी है। सीधा रुख करते हैं इस कार्यक्रम। बता रही थी उनकी छत्र छाया में संगठन का काम करना सीखा। अब गोपाल भाई बैठे हैं, गड़ाकोटा में गोली चल गई तब भी शायद अर्जुन सिंह थे मुख्यमंत्री। अब अर्जुन सिंह उस समय जयंत भैया जीते ही जीते थे 84 में, बाय इलेक्शन पता है कि नहीं, पहली बार जीता था 84 में, उपचुनाव लड़ा था। और उस भयानक माहौल में जब आतंक का राज था, उस आतंक को तोड़ने गढ़ाकोटा में घुसे थे जयंत भाई और लोगों को आत्मविश्वास से भरने का काम। जब संघर्ष की जरूरत पड़ी तो संघर्ष, जब संगठन का काम हो तो संगठन का काम। ये बात सच है कि दमोह जयंत मलैया जी के बिना अधूरा है। आज मैं कह रहा हूं हर दिन पे उन्होंने राज किया। देखो हार जीत तो चलती रहती थी। अब हम भी हार गए थे, कहां भेजा था लड़ने हमने राघव का, लड़ जाओ तो लड़ गए थे। जब पहली बार 84 में भी जयंत भैया पता नहीं सही होगा सब बाद में वोट थे, हारे थे। जब जबरदस्त माहौल था, इंदिरा जी की हत्या हो गई थी उसके बाद, और इस बार भी थोड़ा किनारे पे मामला था। जनता का अनेकों बार, 7 बार मुझे लगता, 7 बार 8 बार लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते रहे। और मुझे याद है पहली बार पटवा जी के साथ जब मंत्री थे, मैं तब से बहुत ध्यान से उनको देखता हूं। योग्यतम मंत्रियों में से पटवा जी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे जयंत भाई। इसके बाद उमा दीदी की सरकार 2003 के बाद आए, तब भी जिम्मेदार और गंभीरता से काम करने वाले मंत्री थे जयंत भाई। फिर गौर साहब की सरकार आई, बीजेपी की सरकार है, उसमें भी पूरी जिम्मेदारी निभा के मुख्यमंत्री का साथ देने वाले मंत्री थे जयंत भाई। पर मेरे साथ तो लंबा समय गुजरा। अब मैं सच बता रहा हूं, मुख्यमंत्री के नाते जब भी कोई महत्वपूर्ण और गंभीर काम किसी को देना हो तो मेरे सामने एक ही नाम आता था, श्री जयंत भैया। और मैं उनको देता जाता था। अब वो मेरे साथ सरकार में, जब मुझे लगा कि नगरों का की स्थिति खराब है, काम ठीक करना है, तो मंत्री कौन को बनाए, नगरीय विकास और आवास पर्यावरण मंत्री, तो सोचा जयंत भैया। बाद में फिर मुझे लगा उद्योग लाना है, तो मध्य प्रदेश में उद्योगपति आते नहीं, तो उद्योग लाने के लिए अगर सबसे जिम्मेदार चेहरा कोई हो जो कम उद्योगपतियों के पास जाए देश में विदेश में, तो कौन को बनाए, तो नाम ध्यान आया जयंत भैया। उसके बाद